हाय फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए फिर से एक ऐसा प्रोडक्ट लाई हूँ जिसे मैं यूज़ करती हूँ। और दूसरी बात, तो मेरे वीडियोज़ में आपको वही प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसे मैं यूज़ करती हूँ, खुद पे अप्लाई करती हूँ और वो परफेक्ट होता है, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो मैं बहुत दिनों से अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, तो मैं उस मेकअप को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो मेरी वीडियोज़ की स्पेशलिटी यही है कि जो मैं अप्लाई करती हूँ डेली यूज़ पे या कहीं भी फंक्शंस पार्टी में, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ लैक्मे का लिक्विड फाउंडेशन, ठीक है। ये 155 रुपीज़ में मुझे मिला है और मैंने इसे नायका से परचेस किया है और ये मेरा फेवरेट है। ये भी मेरे एक फेवरेट, सारे प्रोडक्ट्स में फेवरेट वन में से ये है। और ये इसलिए फेवरेट है क्योंकि ये फाउंडेशन ऐसा है कि समर्स में भी चल जाएगा, विंटर में भी चल जाएगा और आप किसी भी वेदर में कर सकते हो। और ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, मीन्स 155 रुपीज़ तो सभी सोचेंगे कि वाओ, इतने में कितना अच्छा फाउंडेशन मिल रहा है। हाँ, ये है कि ये वाटर प्रूफ नहीं है, जैसे फाउंडेशंस होते हैं वाटरप्रूफ होते हैं, जैसे मेबलिन का फाउंडेशन ज़्यादा से ज़्यादा वाटरप्रूफ होते हैं। बता रही हूँ कि ये आपको क्यों लेना चाहिए। हाँ, पहले तो सीक्रेट क्यों लेना चाहिए, जो मेन टॉपिक है कि इसे हमें परचेस करने का मोटिव क्या है। तो मेरा मोटिव यही है कि ये पॉकेट फ्रेंडली है, फर्स्ट। सेकेंड कि ये लैक्मे ब्रांड है, तो सच में इसकी क्वालिटी भी वैसे ही लैक्मे के अदर प्रोडक्ट्स जैसी ही है। ये बताती हूँ, मैंने इसे अभी अप्लाई भी किया अपने फेस पे और ये बहुत अच्छा फेयर कवरेज दे रहा है और पिगमेंटेशंस को भी बहुत हद तक कवर कर रहा है। मैं इसे फर्स्ट अप्लाई नहीं करती हूँ, सेकेंड भी अप्लाई करती हूँ। हाँ, ये किस स्किन टोन के लिए, ये मीडियम स्किन टोन के लिए है, फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए, फेयर स्किन टोन वालों के लिए है। अगर आप डार्क स्किन टोन, बहुत ज़्यादा आपका डार्क स्किन टोन है, पे सूट नहीं करेगा, आप मत लेना। क्योंकि नेचुरल पर्ल सिर्फ मीडियम टू फेयर, और बहुत ज़्यादा जो फेयर है उनके लिए उनके पे बहुत सूट करेगा। और सच में इसे लगाने के बाद बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन आपका लगता है। अगर मीडियम स्किन टोन के आप हैं और आप इसे लगाते हो तो बहुत फेयर और फ्रेश चेहरा दिखता है, जैसे अभी मेरा दिख रहा है कि ये देखो किस तरह से हाइलाइटेड टाइप के भी दिख रहे हैं, जबकि मैंने कोई हाइलाइट नहीं किया है। तो हाँ, ये अच्छा है। मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ, लगा के थोड़ा सा इसको निकालने में प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो आप देख सकते हो ऐसा है, देखो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा वाटरी है और लिक्विडी है बहुत। देखो कैसे अप्लाई हो जा रहा है। अच्छा, आप देख सकते हो कि ये कैसा है, इधर का और इधर का कितना अच्छा फेयर मीन्स फेयर लग रहा है इसमें। हाँ, तो एक चीज़ है, ये नोटिस करो आप, ये और ये कितना डिफरेंस दिख रहा है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये थोड़ा वाइटेस्ट है और ये हल्का सा आपको डल दिख रहा होगा। तो हाँ, ये है कि आप अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो आपका चेहरा बहुत फेयर लगने वाला है और ये फेयर, सच में ये फेयर कर देता है। बहुत सारी लड़कियों का ये होता है कि मेरे स्किन टोन के मैच के हिसाब से, तो हाँ, स्किन टोन के मैच के हिसाब से सबसे परफेक्ट तो मेबलिन का फाउंडेशन होता है। बट मैं इसे रखती हूँ, इसे रेगुलर बेस पे भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। और ये बहुत, जैसे कि ये बहुत ऑयली स्किन है जिसकी, तो वो अप्लाई कर सकता है, थोड़ा ड्राई भी हो जाता है। तो अगर आपको ऑयली स्किन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कोई क्रीम अप्लाई करने के बाद इसे अप्लाई करो, थोड़ा थोड़ा ड्राई आउट होता है। विंटर्स में तो बहुत ड्राई आउट होता है, तो पहले मुझे कोई अच्छे से क्रीम अप्लाई करने के बाद, बेस अप्लाई करने के बाद इसे यूज़ करना है। और अगर आप प्राइमर के बाद इसको यूज़ करते हो तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। तो मेरे हिसाब से मैं तो इसे रखना पसंद करती हूँ। ये बहुत ही परफेक्ट है, पॉकेट फ्रेंडली है, गर्ल्स के लिए, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और अगर आप न्यूली मैरिड हो
आपको रोज मेकअप के लिए मेकअप की ज़रूरत पड़ती है लाइट मेकअप की, तो हाँ आप इसे रख सकते हो, फेयर दिखेगा चेहरा, कॉम्प्लेक्स अच्छा दिखेगा। पिगमेंटेशन है आपकी या आपके पिंपल्स के मार्क्स है तो आप पहले इसे थोड़ा सा अप्लाई करो, फिर एक कोट फिर लगाने के बाद दूसरा कोट लगाओ, तो फिर ये उसे कवर करता है, फुल नहीं कवर कर पाता है। तो देख सकते हो आप एक बार लेके इसे ट्राई कर सकते हो।